₹2,500 का प्रोजेक्टर है और इसे कहते हैं पॉकेट प्रोजेक्टर। ₹2,500 का पॉकेट प्रोजेक्टर, ये लिटरली आपकी पॉकेट में फिट आ जाएगा, ये इतना छोटा प्रोजेक्टर है। आज हम इस वीडियो में इसे खोलेंगे, इसके पार्ट्स देखेंगे और देखेंगे किस तरह से काम करता है, उसके बाद इसको फिर से असेंबल करेंगे, चला के देखेंगे। फिलहाल इसे पॉकेट में डाल देता हूँ क्योंकि वीडियो को स्टार्ट करना है, तो चलते हैं हमारे सेटअप पे। ये रहा ये प्रोजेक्टर, कुछ इस तरह से दिखता है ओपन होने के बाद में, लेकिन अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया है, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। फटाफट से वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देखते हैं इस पोर्टेबल पॉकेट प्रोजेक्टर में क्या है। BR Tech Films, amazing tech videos देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। BR Tech Films का स्वागत है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसे ट्राईपॉड पे माउंट करके दिखाता हूँ। किसी भी छोटे से ट्राईपॉड पे आप इसको माउंट कर सकते हैं और अभी अंदाजे के लिए कि ये कितना छोटा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक बहुत बढ़िया सा कंपैरिजन, छोटा सा मैं आपको दिखाऊंगा, इसका साइज का अंदाजा आपको हो जाएगा। प्राइस मैंने बता दिया है, 2,500 से 3,000 रुपये का है, तो इतना सस्ता प्रोजेक्टर है, छोटा है तो पार्ट्स भी इसके छोटे होंगे। अब अंदाजा दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, ये रहा प्रोजेक्टर, ये रहा मेरा 5.5 इंच का मोबाइल फ़ोन। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, मोबाइल फ़ोन से भी जो है ये प्रोजेक्टर छोटा है, तकरीबन 3.5 इंच का ये प्रोजेक्टर है, तो इतना छोटा प्रोजेक्टर है। DLP प्रोजेक्टर नहीं है, ये LCD प्रोजेक्टर ही है। बहुत सारे पोर्ट्स हैं इसमें, लेकिन HDMI का पोर्ट इसमें नहीं है। AV का पोर्ट मिलेगा, हेडफोन्स आउट का, USB का पोर्ट, microSD कार्ड लगा सकते हैं, पावर बैंक से भी चलता है और 12 वोल्ट के अडेप्टर से भी, पावर बैंक से भी चलता है, 5 वोल्ट 2 एम्प वाले पावर बैंक से, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये रहा है प्रोजेक्टर, फटाफट से करते हैं इसको ओपन और देखते हैं इसके पार्ट्स कैसे हैं। तो ये 4 स्क्रूज हैं, इन 4 स्क्रूज को मैं फटाफट से खोल लेता हूँ। और इस प्रोजेक्टर को खोलने की सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्टर में जो LCD है उस पर एक लाइन आ चुकी है, तो वो मुझे चेक करना है, क्योंकि इसकी LCD रिप्लेसमेंट मिलेगी या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात, इसका जो फोकस का नॉब है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये ऊपर का जो पैनल है ये रिमूव हो चुका है, इसमें फिजिकल बटन्स दे रखे हैं इस पैनल में। ज़्यादातर प्रोजेक्टर्स में फिजिकल बटन्स भी होते हैं, वैसे हम इनका यूज़ कम ही करते हैं क्योंकि हम रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा है इसका PCB। अब यहाँ पे इसका जो फोकस का नॉब है वो काम नहीं कर रहा है। इस प्रोजेक्टर में कीस्टोन नहीं मिलता, छोटा सा स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पे, साउंड इसमें इनबिल्ट स्पीकर मिल जाता है लेकिन अच्छी साउंड उतनी नहीं मिलती, इसलिए अलग से आप बड़े स्पीकर्स लगा सकते हैं। ये फोकस का नॉब इसमें काम नहीं कर रहा है, कीस्टोन इसमें जो है कीस्टोन करेक्शन नहीं है, फोकस के नॉब को भी फिक्स करना है। तो खोलने के 2 रीज़न थे, फोकस नॉब काम नहीं कर रही है और जो LCD है उस पर एक लाइन आ चुकी है, क्योंकि 2-3 बार ये गिर चुका था जब मैं इसको नया नया लाया था। तो यहाँ पे ये स्पीकर की तार को मैं हटा देता हूँ, इस टेप को हटा देता हूँ। और फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने अमेजिंग गैजेट्स देखने हैं, कुछ DIY प्रोजेक्ट्स देखने हैं, कुछ नए नए गैजेट्स के रिव्यू देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के कमाल वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना स्क्रू ड्राइवर चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे वो जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक का पैनल लगा है उसको हटाना है। देखना है कि इसके अंदर LCD कौन से, क्योंकि छोटा प्रोजेक्टर है तो इसकी LCD भी शायद बहुत अलग होगी और इसके पार्ट्स शायद ही मार्केट में मुझे मिलेंगे। फटाफट से जो है मैं इस पैनल को रिमूव करता हूँ। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सवाल होता है तो कमेंट्स में पूछने के बजाय आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई देना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे कमेंट्स मिस हो जाते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, BR Tech Films, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पे आपको रिप्लाइज भी फास्ट मिल जाते हैं। तो ये ब्लैक पैनल जो है मैंने ऊपर से रिमूव कर दिया, ये इसकी PCB देख सकते हैं आप, कितनी छोटी PCB है इसकी। अच्छा, इस प्रोजेक्टर को हम अडेप्टर से चलाते हैं, 12 वोल्ट का अडेप्टर से। उसके अलावा इस प्रोजेक्टर में जो है 5 वोल्ट की जो है 5 वोल्ट 2 एम्प वाली पावर बैंक से भी ये ऑन हो जाता है। पीछे एक बटन दे रखा है जिससे आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर आप अडेप्टर से चला रहे हैं तो अडेप्टर की तरफ स्लाइड करना होगा, पावर बैंक से चला रहे हैं तो दूसरी तरफ स्लाइड करना होगा। फिलहाल में मैं इसकी जो LCD है इसकी ये रिबन वायर जो है हटा देता हूँ यहाँ से, ये चिपकी हुई है तो इसका ये लॉक खोल के मैं इसकी रिबन वायर हटा देता हूँ। अब ऑब्वियसली मुझे PCB निकालने के लिए यहाँ पे कुछ 2 स्क्रूज दे रखे हैं, तो उन 2 स्क्रूज को भी खोलना पड़ेगा और काफ़ी डेलिकेट सा है इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर इसका कोई पार्ट टूट गया फिर ये प्रोजेक्टर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके पार्ट्स मिलना शायद बहुत मुश्किल है इस समय क्योंकि काफ़ी छोटा है। यहाँ पे इसका ये फ़ैन लगा हुआ है और फ़ैन के ऊपर एरो दे रखा है ताकि वापस जब हम इसको लगाएं तो एरो के हिसाब से फ़ैन को हम लगा सकते हैं। छोटा सा फ़ैन है इसको कूल करने के लिए, तो काफ़ी बढ़िया है। हाँ, इसमें हीटिंग इश्यूज़ इतने नहीं है, 3 से 4 घंटे मैंने इसको जब यूज़ किया शुरू में, इसमें मूवी चलाई तो 3 से 4 घंटे मैंने इसको यूज़ किया तो हीटिंग इश्यूज़ एज सच इसमें नहीं मिले।
तो 3 से 4 घंटे चलाने के लिए अच्छा है। 80 इंच तक का स्क्रीन जो है ये प्रोजेक्ट कर देता है। फिलहाल में इसकी LCD पे एक लाइन आ चुकी है जिसे फिक्स करना शायद मुश्किल होगा क्योंकि LCD रिप्लेस ही होती है और इसकी LCD मुझे अभी तक तो कहीं मिली नहीं है, तो इसीलिए मैं खोल के देखना चाहता हूँ कि इसकी LCD में ही क्या वो निशान है या कोई और प्रॉब्लम है। तो ये PCB जो है मैंने हटा दिए यहाँ पे, इसके नीचे एक और प्लास्टिक का पैनल लगा हुआ है जिसे मुझे हटाना पड़ेगा ताकि मैं इसका लैंप जो है आपको अच्छे से दिखा सकूँ। तो ये फ़ैन को फिलहाल में मैं हटा नहीं रहा हूँ, लगा रहने देता हूँ, और PCB को भी इसी तरह से छोड़ देता हूँ। और ये जो वाइट पैनल है इस पे जो स्क्रूज़ लगे हैं इसको फटाफट से हटा देता हूँ ताकि देख लेते हैं कि इसके अंदर जो लैंप है वो किस तरह का है, और इसी तरह से ओपन में ही इसको एक बार चला के देखेंगे, बाद में इसको क्लोज़ करके फिर इसको अच्छे से चला के एक बार देख लेंगे। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके LCD पे एक लाइन आ रखी है, तो वो एक मेन रीज़न है। दूसरा इसका जो ये फोकस वाला नॉब है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसे भी मुझे देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे किसी भी तरह का पोलराइज्ड ग्लास नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 ग्लास हैं और एक मिरर लगा हुआ है। अब मिरर के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट आए थे जब मैंने पहले एक प्रोजेक्टर को दिखाया था कि वो किस तरह से काम करता है, तो लोगों ने कहा था वो मिरर नहीं है, ये रही इसकी LCD। तो कितनी छोटी LCD है यार, बहुत छोटी LCD है इसकी, तो शायद ही ये रिप्लेसमेंट LCD मुझे मिलेगी। और इसमें ऐसे तो मुझे कोई स्क्रैच या लाइन नहीं दिख रही है, तो जब इसे ऑन करेंगे तब देखेंगे कि इसमें कोई लाइन है या नहीं, क्योंकि जो खराबी है वो LCD में ही हो सकती है। ज़्यादातर जो खराबी है वो LCDs में ही होती है प्रोजेक्टर के, तो LCD इजीली रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको मिलता है तो। ये देखिए इस तरह ग्लास लगा हुआ ये लैंप के आगे लगता है, तो इसको भी फिलहाल मैं हटा देता हूँ। और जब भी आप प्रोजेक्टर खोलते हैं ना तो उसको बहुत ही क्लीन एरिया में खोलिए, क्योंकि डस्ट अगर लग गई तो उसे आप साफ़ नहीं कर पाएंगे, और कपड़े से कभी भी साफ़ मत करना, आप कॉटन बड का यूज़ कर सकते हैं। तो 2 ही ग्लास लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये पीछे इसका लैंप लगा हुआ है, तो अभी इसको ऑन करके देखेंगे। हम फिलहाल में इसे पावर बैंक से ऑन करेंगे, बाद में जब हम इसको वापस असेंबल कर देंगे उसके बाद में हम इसमें जो है पावर अडैप्टर लगा के देखेंगे कि ये तब कैसे काम कर रहा है। तो ये रहा इसका लैंप, ठीक है, लैंप को अभी हम रिमूव नहीं करेंगे। तो ये लगा हुआ है इसका रैंप, और अंदर कोई भी डस्ट नहीं है प्रोजेक्टर के, तो ये अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसे क्लीन करने के लिए। तो ये फोकस का नॉब जो है ये काम नहीं कर रहा है, इसे मुझे आगे की तरफ पुश करना पड़ेगा शायद ये काम, हाँ अब ये काम करने लग गया है। तो चलिए ये चीज़ तो मेरी फिक्स हो गई है, ये फोकस का नॉब तो काम कर रहा है। अब इसमें कीस्टोन नहीं है तो थोड़ी सी इसको फोकस करने में कई बार दिक्कत हो जाती है। 80 इंच तक ये प्रोजेक्ट जरूर करता है स्क्रीन को, लेकिन मैक्सिमम जो अच्छी क्लैरिटी मिलती है वो 50 से 60 इंच में मिलती है। फिर भी 50-60 इंच 2500 से 3000 रुपये में बहुत बढ़िया है। वो देखिए पीछे मिरर लगा हुआ है, उस मिरर को बाद में निकाल के दिखाऊंगा मैं। फिलहाल में इस प्रोजेक्टर में पावर बैंक लगाएंगे, इसे चला के देखेंगे एक बार, इस तरह से LCD फिक्स करेंगे इसमें। तो ये रहा इसका फ़ैन, इस फैन को फिलहाल में मैं यहाँ पर घुसर देता हूँ अच्छे से। और ये रही पावर बैंक, तो पावर बैंक को मैं यहाँ पे देखिए इसमें पोर्ट दे रखा है, तो इसे फिलहाल मैं जो है मैं 12 वोल्ट के अडैप्टर से ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे पावर बैंक से ऑन करके देखूंगा। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है जब इसे पावर बैंक से चलाएं तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, क्योंकि वो 5 वोल्ट पे काम कर रहा है। हालांकि इसमें ऑप्शन दे रखा है 5 वोल्ट पे चलाने और 12 वोल्ट पे चलाने के लिए, तो यहाँ पे लाइट आ चुकी है, मुझे इसे ऑन करना है, तो फिज़िकल बटन का इस्तेमाल करते हुए मैं उसको प्रेस करता हूँ ताकि ये ऑन हो जाए। ऑन हो चुका है, लैंप में लाइट आ चुकी है, तो प्रोजेक्टर का लैंप अच्छे से काम कर रहा है। अब इस पर LCD लगाएंगे हम और फिर देखेंगे कि LCD में इमेज किस तरह से दिखती है। ऑब्वियसली अभी पावर बैंक लगी हुई है तो इमेज थोड़ी सी डल दिखेगी, बट रिजल्ट्स तो हमें बाद में दिख जाएंगे। ये फ़ैन इसका ये स्टॉप हो गया, ये चल रहा है। तो इस तरह का कॉटन बड आप यूज़ कीजिए जब भी आप प्रोजेक्टर को क्लीन करते हैं, कॉटन बड से ही जो है वो सही से क्लीन हो सकता है। कभी भी किसी तरह के कपड़े का इस्तेमाल मत करना, स्क्रैच आ जाते हैं। मैं कॉटन बड से एक बार इसके ग्लास को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसे ओपन किया है, थोड़ी बहुत डस्ट जो है बैठ ही जाती है। जब आप मोबाइल पर टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं तो कितना भी साफ़ करें थोड़ी बहुत डस्ट बैठ जाती है ना, बस वही हाल है इन प्रोजेक्टर्स का, थोड़ी बहुत डस्ट बैठ ही जाती है। तो इसलिए कॉटन बड का इस्तेमाल कीजिए इसको क्लीन करने के लिए। और कभी भी घर पर अपने कोई भी प्रोजेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आपको नॉलेज नहीं है बेसिक तो मत खोलिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग इस तरह के काम करते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, कमेंट्स में अपने नंबर पोस्ट मत करना, मैं किसी को कॉल या मैसेज नहीं करता हूँ, आप अपने नंबर पोस्ट करोगे कमेंट्स में तो कोई ना कोई आपको कॉल करके बेवकूफ़ भी बना सकता है, इसलिए कमेंट्स में कभी भी अपने नंबर पोस्ट मत करो। अभी आपको जो भी चीज़ मैं दिखाता हूँ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे सारी डिटेल्स रहती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलने के लिए वीडियो के टाइटल पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जिन्हें नहीं मालूम उनको बता रहा हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स रहती है, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही मिलती हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं।
तो ये यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ और फटाफट से इसकी LCD जो है उसको भी लगाएंगे और देखेंगे LCD में किस तरह की ब्राइटनेस आ रही है। मैं बात कर रहा था कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जितने भी ये ऑनलाइन ही मिलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते। मार्केट में बड़ा प्रोजेक्टर ज़रूर मिल जाएगा और जिनको हाई एंड प्रोजेक्टर्स चाहिए ना वो BenQ के प्रोजेक्टर्स ले सकते हैं क्योंकि BenQ के हाई एंड प्रोजेक्टर्स बहुत बढ़िया होते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा और क्लीन कर लेता हूँ एक बार। ये रही इसकी LCD को भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा डस्ट बैठ ही जाती है इस पर। तो जितना हो सका मैंने इसे क्लीन कर लिया है और काफ़ी डेलिकेट इसके जो हैं पार्ट्स हैं तो कोई भी वायर ब्रेक ना हो इसके लिए काफ़ी ध्यान से मैं जो है इसकी LCD को इस पर लगाता हूँ अभी और इसकी वायर को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। रिबन वायर है तो इजीली यहाँ पे, पहले जो था यहाँ पे ग्लू भी लगी हुई थी, अभी वो ग्लू हट चुकी है, लॉक कर दिया मैंने LCD को। एक बार इसको पावर ऑन करता हूँ फटाफट से। तो ये ऑन हो चुका है। जब तक लैंप से लाइट नहीं आएगी LCD पे उसकी ब्राइटनेस समझ में नहीं आएगी। तो लैंप के आगे लगती है LCD। फिलहाल में अगर आप ध्यान से देखें तो शायद कैमरा में आपको दिखे या नहीं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें इसका मेन्यू दिख रहा है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, एक लाइन जो है सेंटर में वो LCD पे आ रखी है। तो यानी मेरा आइडिया सही था, LCD पे ही वो लाइन है, तो उस लाइन को फिक्स करने के लिए मुझे LCD को ही रिप्लेस करना होगा जो कि फ़िलहाल में मुझे मिल नहीं रही है। मैं ट्राई करूंगा कि मुझे वो LCD मिल जाए और मैं उसको भी यहाँ पे रिप्लेस करके इसे परमानेंटली फिक्स कर सकूं। वैसे प्रोजेक्टर सही चल रहा है, फ़ैन सही चल रहा है, साउंड सही आ रही है, USB भी डिटेक्ट कर रहा है, सेट टॉप बॉक्स भी इसमें कनेक्ट हो जाता है AV की मदद से। लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि इसमें HDMI या VGA पोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस आपको अब अच्छे से और दिख जाएगी क्योंकि मैंने LCD को जो है लैंप के आगे लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। इसमें ना आप बैटरी चाहें तो बैटरी भी फिक्स कर सकते हैं। ग्लास के पीछे देखिए एक पोर्ट दे रखा है, वो मैं आखिरी में आपको दिखा दूंगा बैक साइड से खोल के। तो वहाँ पे आप एक बैटरी फिक्स कर सकते हैं और अंदर से यहाँ पे से उसकी तार लगा सकते हैं। तो ये जो होल सा दिख रहा है पीछे, इसमें हम बैटरी फिक्स कर सकते हैं ये, तो वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, ये वाला होल जो है। तो ये पीछे से खुलता है, यहाँ पे आप बैटरी फिक्स कर सकते हैं 5 वोल्ट वाली और अंदर से वायर इसमें लगा सकते हैं। तो ये रहा प्रोजेक्टर, देखिए सामने से ये इसकी PCB है छोटी सी, जिसपे एक छोटी सी नज़र आप बना लीजिए, देख लीजिए इसको अच्छे से PCB को, क्योंकि डिटेल में मैं इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि प्रोजेक्टर किस तरह से काम करता है। हम खाली यहाँ पे पार्ट्स देख रहे हैं कि कौन से लगे। पार्ट्स प्रोजेक्टर के वही हैं सारे, ग्लास लगा है, लैंप लगा है, LCD लगी है, एक मिरर लगा है पीछे, मिरर ही कहेंगे उसको, पोलराइज ग्लास इस वाले में नहीं है वो मैं दिखा दूंगा। फिलहाल मैं इसको सिर्फ ऐसे ही लगा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को इसे पूरे अच्छे से तरीके से सेट करना है और फिर उसके बाद में इसे वापस बंद करना है। तो फिलहाल मैंने इसे सिर्फ ऐसे ही फिक्स किया है। तो यहाँ पे फिलहाल में मेरे को इसकी वापस से LCD की वायर खोलनी पड़ेगी क्योंकि नीचे का प्लास्टिक पैनल मैंने अभी इस पर जो है नहीं लगाया हुआ है और इसी वजह से जो है PCB इस पर अभी ठीक से बैठी नहीं है। तो प्रोजेक्टर का मेरा फोकस का प्रॉब्लम जो था वो ठीक हो चुका है। LCD में ऑलरेडी एक निशान है, क्लीन मैं कर चुका हूँ। तो मैं इस वायर को फिलहाल मैं हटा देता हूँ लॉक से और ये वायर मुझको लगा के इसे एक बार ऑन करके भी देखना होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये मिनी प्रोजेक्टर है। फिलहाल में भी अभी प्रोजेक्टर जो है शायद अभी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हुआ तो आप इसे ले सकते हैं। देखिए 2500 से 3000 में है, लॉन्ग लाइफ वाला प्रोजेक्टर मैं इसे नहीं कह सकता, लेकिन मैं यही ज़रूर कह सकता हूँ आराम से चलाएंगे तो चल जाएगा। जैसे मेरे पास में 2 साल से ये प्रोजेक्टर ठीक चल रहा है, तो कोई और प्रॉब्लम मुझे इस प्रोजेक्टर में फ़िलहाल में नहीं आई है। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्रू शायद अभी नहीं लगा क्योंकि मैंने पीछे का प्लास्टिक पैनल नहीं लगाया, तो इसको अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं हटा देता हूँ। अब देख लीजिए मिरर, ये मिरर है जो सामने लगता है क्योंकि LCD से जो आगे इमेज जाती है वो मिरर में रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद आप उसे लेंस से आगे फोकस करते हैं। तो ये मिरर होता है, जिन लोगों को डाउट था तो बता दूँ ये मिरर होता है, देख लीजिए। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे फिर से एक बार पावर बैंक लगा के इसे ऑन करके देख लेते हैं क्योंकि अभी मैंने इसे फिर वापस असेंबल नहीं किया। फटाफट से वापस असेंबल करूँगा और अभी आपको चला के भी ये प्रोजेक्टर मैं दिखा दूँगा क्योंकि मैंने इसे असेंबल करके पूरा असेंबल नहीं किया है, अभी इसके पार्ट्स कुछ रहते हैं जो मैंने फिक्स नहीं किए हैं। तो इसको आगे से यहाँ पे मैं कपड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाइप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेट वाइप का। आगे से मैं इसको क्लीन कर चुका हूँ इसके लेंस को ताकि मैं देख सकूं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो मेरा प्रोजेक्टर का जो फोकस का प्रॉब्लम था वो तो फिक्स हो चुका है, बट LCD में जो लाइन है उसे मैं फिलहाल में फिक्स नहीं कर सकता। थोड़ी सी लाइट्स मैंने ऑफ की हैं, डे लाइट का टाइम है, अंधेरा नहीं है रूम में, तो फोकस हो रहा है
अब मैं थोड़ा सा दूर से दिखा रहा हूँ और बाद में, अभी जो है ना पावर बैंक से ये कनेक्टेड है तो ब्राइटनेस इसकी कम आती है पावर बैंक पे। मैं इसे 12 वोल्ट के अडेप्टर से कनेक्ट करके दिखाऊंगा तब इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल में मेरे पास कोई USB ड्राइव नहीं पड़ी जिसमें कोई फाइल्स हों, नहीं तो मैं कोई वीडियो प्ले करके दिखाया था। ऐसे आपको सिर्फ एक अंदाज़ा दिखा रहा हूँ। लाइन आप देख सकते हैं LCD के बीच में आ रखी है, बहुत भद्दी नहीं लगती वो लाइन, लेकिन लाइन नज़र आती है बहुत लाइट सी। जब मैं वीडियोस वगैरह चलाता हूँ तो उतनी नोटिसेबल नहीं है, लेकिन फोकस नहीं हो पा रहा था जिसकी वजह से मुझे इस प्रोजेक्टर को खोलना पड़ा। सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो भी बनाई जाए। फटाफट से कर लेता हूँ इसे वापस से असेंबल, और उसके बाद में असेंबल करने के बाद में देखते हैं इसे हम पावर अडेप्टर से लगा के कि अडेप्टर लगाने के बाद 12 वोल्ट के किस तरह से चलता है। तो फटाफट से मैंने जो है इसके पार्ट्स को बंद कर दिया, खोलते हुए मैंने आपको सारे पार्ट्स दिखा दिए थे। फटाफट से मैं जो है इसको फिक्स कर रहा हूँ, इसके स्क्रूज को भी टाइट कर देता हूँ। अब जो मैं बैक पैनल की बात कर रहा था, ये वाला पैनल है, अगर मैं इसको रिमूव करूँगा कुछ इस तरीके से, मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो आप पावर बैंक से अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बैटरी फिक्स कर सकते हैं और अंदर जरा सी जगह दे रखी है जहाँ से आप इसकी वायर को परमानेंटली सोल्डर करके फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्प मैक्सिमम जो है बैटरी आप इस पे लगा सकते हैं। ये रही जगह, यहाँ पे आप चाहें तो एक बैटरी लगा सकते हैं, जिसकी मुझे नहीं लगता फिलहाल में ज़रूरत है इतने तामझाम की, क्योंकि पावर बैंक से आराम से चल जाता है और इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि पावर बैंक से ही चलाना है। बट ऐसी जगह पे जहाँ बिजली के पोर्ट नहीं होते अगर ये प्रोजेक्टर चलाना हो तो पावर बैंक से चल जाता है, लेकिन मैं इसे जो है प्रेफर करता हूँ अडेप्टर से ही चलाना। पीछे एक स्विच दे रखा है ऑन ऑफ के लिए। तो ये रहा इसका अडेप्टर, ये 12 वोल्ट का अडेप्टर है। तो ये अडेप्टर जो है पीछे कुछ इस तरीके से लगता है। अडेप्टर लगा के इसकी ब्राइटनेस एक बार दिखाता हूँ। ये पीछे बटन दे रखा है, पावर बैंक से चलाएंगे तो आपको इसे स्लाइड करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से स्लाइड करना पड़ेगा। फिलहाल में मैंने इसको जो है 12 वोल्ट पे स्लाइड कर दिया है और यहाँ पे लगती है पावर बैंक, मेमोरी कार्ड, AV का पोर्ट है, आगे जो है स्पीकर की जगह दे रखी है, USB इसमें डिटेक्ट हो जाता है, पीछे फ़ैन का एरिया है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्टर है, अब वापस मैंने बंद कर दिया, ये ऑन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं डे लाइट है, रूम में अंधेरा नहीं है, फोकस अच्छे से कर रहा है, ब्राइटनेस अच्छी खासी है, 80 इंच तक का ये स्क्रीन प्रोजेक्ट कर लेता है। और मैं यही कहूँगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप एक प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं ना, ये ले सकते हैं अगर बजट बहुत कम है, लेकिन वही बात बहुत ज़्यादा नहीं चला पाएंगे आप इसको। तो ये देखिए पावर अडेप्टर जो है इसका, वो लगाने के बाद में इसकी ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा मिलती है, 50 से 60 इंच की स्क्रीन इस प्रोजेक्टर में मिल जाएगी। बाकी और प्रोजेक्टर्स देखना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो मैंने अभी रिसेंटली एक फुल HD प्रोजेक्टर का रिव्यू किया था, तो तकरीबन 10 से 11 हज़ार रुपये का है, T8 प्रोजेक्टर, बेस्ट प्रोजेक्टर है, अगर वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, फुल HD प्रोजेक्टर है। एंड्रॉयड प्रोजेक्टर्स मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि उनमें एंड्रॉयड का वर्जन जो है पुराना मिलता है, इसलिए मैं एक एंड्रॉयड TV बॉक्स या फायर TV स्टिक इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। और जो लोग स्क्रीन कास्ट के बारे में जानना चाहते हैं प्रोजेक्टर पे, नॉर्मल प्रोजेक्टर पे, वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, मैंने स्क्रीन कास्ट के ऊपर बनाया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलूंगा कुछ और कमाल के टेक के साथ, कुछ नए रिव्यूज़ के साथ में। ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।